नमस्कार दोस्तों, रमेश मंत्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हो रमेश मंत्री यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करते हैं, अपना जो टारगेट है वो सही समय पर नहीं लेने का उसका रिजल्ट क्या आता है, उस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। वीडियो पर बने रहे। दोस्तों क्या होता है, जैसे अपने कई बार कहते हैं अपने सही समय पर निर्णय नहीं लेते कि अपन को करना क्या है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस समय अपने साथ बहुत बुरा होता है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या होता है, रोड के ऊपर एक कुत्ता आ गया अचानक, इधर से गाड़ी स्पीड से आ रही है तो कुत्ता गाड़ी उसको टक्कर मार देता है। गलती किसकी होती है, कुत्ते की होती है या गाड़ी वालों की? मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी वाले की गलती बिल्कुल भी नहीं होती है, कुत्ते की गलती होती है। क्योंकि उस समय कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है, उस समय कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए कंफ्यूज होता है कि कुत्ता सोचता है कि मैं इधर जाऊँ कहाँ जाऊँ, मैं मुझे किधर जाना है, इसलिए वो कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है और गाड़ी उसके टक्कर मार देता है। तो दोस्तों अपन को ऐसा ही काम करना कि अपना जो टारगेट हो सही समय पे निर्णय लेना है। पहला काम होता है, एक तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो ये है वो है, नहीं, जो आपको लगता है आपके भविष्य के लिए आपको टारगेट लगता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, आप उसी डिपार्टमेंट को आप अच्छी तरह उसके लिए अपना अच्छी तरह पढ़ाई करो, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, चाहे आपको मेडिकल में जाना है या आईटीआई में जाना है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे पटवारी की मान लो, मास्टर की मान लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना हो, आपका जो पहला पॉइंट यही होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका दूसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों कि जो आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे आईटीएन बनना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ये आपके जब अंदर होगा तो अंदर से आवाज है, मैं इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसके बाद मतलब आपके जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये मेडिकल में जाना है, आईटीएन में जाना है, किस में जाना है मुझे, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग अपन को उसके लिए पढ़ाई करनी है। ये जंग है, ये उसको जीतना है अपन को। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो पॉइंट आता है कि इसके लिए अपन को सही समय पे डिसीजन लेना है। ये तीन चीज़ आपने जिंदगी सीख ली ना, और अब इस तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने काम कर लिया तो मुझे लगता है कि आप कहीं पर मात नहीं खाओगे, आपको सक्सेसफुल हो जाओगे अगर इन तीनों चीज़ों के आपने काम कर लिया। पहला पॉइंट कौन सा आता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। दूसरा आता है कि आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे बीए करनी है, एमए करनी है, वो करना है, ये करना है, मैं उसकी तैयारी कर लूँ उसी का, नहीं, जो आपको टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके लिए अपन को सही डिसीजन लेना है, टारगेट लेने के बाद में उनको सही डिसीजन लेना है अपन को, उसके बाद में उस टारगेट के प्रति अपन को पढ़ाई लिखाई जो भी आपको करना है वो करना है, उसके बाद में उसके प्रति लगन से काम करना है, लगन से काम करना है। ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ उसके लिए, मुझे पीएमटी में डॉक्टर बनना है, आपके नाम क्या, किसी का मान लो कि नाम रमेश है, किसी का सुरेश है, किसी कुछ भी नाम मान लो, उसके आगे आप
पहले भी डॉक्टर लगाना आज से स्टार्ट कर दो। और डॉक्टर नाम आके डॉक्टर लगा दिया, उसके बाद उसके लिए अपने कितना काम करना, उसके लिए मुझे करूँगा, मुझे रात को शायद 10 घंटा पढ़ना पड़े, 20 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन उस टारगेट के लिए मुझे पाना है और मुझे काम करना है उसके लिए। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, मुझे मेडिकल में जाना ही है, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो अब मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। जब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मुझे काम करना है, क्या मुझे कितना भी उसके लिए अफोर्ड करना पड़ जाए, मुझे कितने भी तकलीफ उठानी पड़ जाए, लेकिन मुझे मेडिकल में या आईटीआई में जाना है, कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, कुछ भी करना पड़ जाए कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस टारगेट को पाना है, उस टारगेट को पाने के लिए मुझे चाहिए 20 घंटे, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप अपना, आपका काम क्या है मुझे ये बताओ, आप पढ़ने के अलावा क्या काम करते हो? कुछ भी काम नहीं मुझे लग रहा है। तो आपका काम ओनली, आपका काम पढ़ाई का है, बस पढ़ाई का है, वो सारा काम घरवाल देख लेंगे अपने आप, जो आपका कोई, कई बच्चे कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन करो, मुझे डिमोटिवाइज हो गया है, मुझे मोटिवेट करो। बेटा जी मैं आपको यह की बात बोल रहा हूँ, आपको अगर मोटिवेट होना ना, सबसे बड़ा मोटिवेट एक होता है जो सेल्फ मोटिवेट होता है। और अगर आपको मोटिवेट होना है ना, तो अपने माँ बाप के चेहरा देख लेना एक बार, अपने आप पता चल जाएगा कि वो लोग आपके लिए कितना काम करते, कितने ईमानदार से वो काम करते हैं आपके लिए। उनका एक ही सपना था कि मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे के कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे रात को चाहे ठंड में कितना भी काम कम करना पड़ जाए, सर्द गर्मियों में कितनी धूप होती है आपको पता है, 45 डिग्री के अंदर काम करना पड़ता है उनको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मेरे बच्चे के कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जब मुझे कितना भी काम करना पड़ जाए। आपके माता पिता की ये सोच होती है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वहीं से मिलता है कि जो मतलब आपको किस लिए काम भेजा है, जो आपका काम हो उस काम को ईमानदार से काम करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब चीज़ का बंटवारा हो सकता है दोस्तों, अगर ये कागज भी है, अगर दो भाई अगर इसका बंटवारा कर सकते हैं तो बंटवारा हो सकता है इसका, लेकिन एजुकेशन का ये होता है, जो पढ़ाई लिखाई होता है ना, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। आपने जितनी पढ़ाई करी है वो आपके काम आएगी, न कि आपकी भाई के काम आएगी। जितना आपने पढ़ा है वो आपके ही काम आएगी, न कि दूसरे काम आएगी। एक पेन होता है, उसका भी टुकड़ा हो सकता है, उसका भी टुकड़ा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। तो सब दोस्तों, अभी दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटर होता है, सेल्फ खुद से मोटिवेट होना चाहिए। समझ में आ रहे ना आपकी बात, कितने काम करते हैं आपके माता पिता, कितनी कठोर काम करते हैं अपने लिए। उनके साथ अपन धोखा नहीं कर सकते, उनके साथ अपन धोखा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनका क्या सपना है, उस सपने को आपने अगर साकार बना दिया तो मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिलेगी आपके माता पिता को। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो खुशियाँ की उनके चेहरे पे देखना, उनकी खुशियों की लकीरें देखना, आप गैस नहीं कर पाओगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो आप कि वो अंदर से कितने खुशी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बेटा जी अगर किसी कारण से अगर आप रुक गए, आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ गई, तो अंदर की बात को छुपाते हुए फिर भी आपको महसूस नहीं करने देंगे वो कि मैं कितना अंदर से कितना टूट चुका हूँ मैं। माता पिता वो होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, उनके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं करना है। अपना जो काम है पढ़ाई लिखाई का, वो ईमानदार से पढ़ना है, बस ईमानदारी से पढ़ना है।
उनके सपना है, उनके जो भी ड्रीम्स है उस ड्रीम को साकार करना है। चाहे आप दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, अगर आपका मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो अड़ोस पड़ोसी जितने भी लोग बोलेंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए हो गया, अच्छा पढ़ाई। चाहे आपने बदमाशी की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो छुप जाएगी, वो छुप जाएगी। तुम अभी फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, ईमानदार से करो और अपने माता पिता के जो सपने हैं उसका साकार कर लो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।